हेलो गाइस, क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। साइंस चैप्टर फर्स्ट, आवर स्केलेटन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम टॉपिक्स ऑन स्केलेटन सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय द स्केलेटन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। स्कल we have to completed and vertebral also completed, and in today's class we will study about the rib cage. Okay, it is also the parts of skeleton system. So rib cage, ribs are flat curved bones which are joined to the spine at the back and the breast bone in the front. It means says that जो रिब्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये किसका है? रिब केज का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके जो पार्ट्स आपके यहाँ से देखो, ब्रेस्ट बोन, रिब्स, स्पाइन एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये इसके पार्ट्स हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो लिसन, रिब केज, रिब्स आर फ्लैट कर्व्ड बोन्स विच आर जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। जो रिब्स है मीन्स ये जो पसलियाँ होती हैं हमारी, उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है इसमें। ये क्या करती हैं हमारे पास, जो स्पाइन, यानी कि स्पाइन क्या होता है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, तो ये बैक बोन पीछे की साइड में किससे कनेक्ट होती है, रिब्स हमारी स्पाइन से, और एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और फ्रंट में जो ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन मीन्स सेज दैट द ब्रेस्ट बोन इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। जो ब्रेस्ट ब्रेस्ट बोन होती है हमारी, यहाँ से देखिए, ये जो ब्रेस्ट बोन है ये क्या होती है, इट इज़ ए लॉन्ग फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। जो चेस्ट की जो सेंटर में होती है उससे कनेक्ट होती है क्या, ये क्या होती है, ब्रेस्ट बोन। द रिब्स फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ रिब केज। ओके, द रिब केज कंप्राइजेज 12 पेयर ऑफ बो शेप्ड रिब्स, मीन जो रिब केज होती है हमारी उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 12 पेयर्स। 10 पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन, टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स, जिसमें से जो 10 पेयर रिब्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी ब्रेस्ट बोन से। एंड द अदर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू फ्लोटिंग रिब्स। ओके, देखो आपको यहाँ से पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखिए, जो हमारी रिब्स हैं वो कैसे कनेक्ट है हमारे पीछे के साइड में से, ये जो स्पाइन दिख रहा है आपको। ओके, ये हमारा स्पाइन, और फ्रंट में किससे कनेक्ट है, ये ब्रेस्ट बोन से। क्लियर, ये हमारे रिब्स हैं, और ये क्या है, हमारा केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं रिब केज। और जो हमारे पास 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं इसके अंदर, जिसमें से 10 किससे कनेक्ट होती है हमारे पास, 10 पेयर आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन। ओके, इनमें से जो 10 पेयर है वो ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड है, और 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, और दे आर कनेक्टेड अटैच्ड, ये किससे कनेक्ट होती है, आपकी स्पाइन से। ठीक है, मींस दैट रिब केज के अंदर टोटल 12 बोन्स होती हैं, जिसमें से 10 किससे कनेक्ट होती है हमारी, ब्रेस्ट बोन से, और 2 कनेक्ट होती है हमारी स्पाइन से, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्लियर, एंड नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिब केज इज दैट द रिब केज इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो रिब केज होती है वो क्या करती है, यहाँ से देखिए, जो मेन पॉइंट है इसका, ये कहाँ लोकेट होती है, चेस्ट के अंदर, और इनका मेन फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड चेस्ट। ये किसको प्रोटेक्ट करती है, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। ओके, एंड रिब्स आर कर्व्ड एंड फ्लैक्सिबल होती है, रिब केज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट। जब हम ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम पे रिब केज क्या होती हैं, ये एक्सपेंड होती हैं। क्लियर, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रिब केज। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्म्स एंड लेग बोन्स। आर्म्स एंड लेग बोन्स, देखिए, वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, लिम्स मीन्स यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अंगों का पार्टिसिपेशन किया हुआ है हमारे पास। हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं लिम्स में, अपर लिम्स यानी कि ऊपर के जो अंग होते हैं वो, एंड लोअर लिम्स। ओके, वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ
लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. क्लियर. नेक्स्ट इज द अपर लिम्स आर कॉमनली नोन एज द आर्म्स. जो अपर लिम्स होती है उनको क्या बोलते हैं, हम आर्म्स बोलते हैं. ठीक है. एंड ईच आर्म हैज़ थ्री लॉन्ग बोन्स एंड सेवरल शॉर्ट बोन्स. जो आर्म बोन होती है हमारे पास उसमें कितने होते हैं हमारे पास, थ्री लॉन्ग बोन्स और सेवरल शॉर्ट बोन्स होती हैं. कितनी होती हैं, थ्री आर्म्स. ठीक है. इसका जो पार्टिसिपेशन अगर हम करें तो ये होता है आपके पास द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस. जो अपर आर्म होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, जो लॉन्ग बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस. ये रहा. ठीक है. ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर आर्म में. सबसे पहले हमने लिम्स को डिवाइड किया, अपर लिम लोअर लिम. अपर लिम को क्या बोलते हैं, हम आर्म्स. अब आर्म्स को भी हम टू में करेंगे, टू अपर आर्म और लोअर आर्म. अपर आर्म में जो लॉन्ग बोन होती है वो क्या होती है हमारे पास, ह्यूमरस होती है. क्लियर. नेक्स्ट एंड द लोअर आर्म हैज़ टू लॉन्ग बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. अब जो लोअर आर्म होती है हमारे यहाँ से हमारे पास लोअर आर्म के अंदर क्या होती है, लॉन्ग बोन्स हमारे पास अपर आर्म और लोअर आर्म. अपर में लॉन्ग होते हैं ह्यूमरस और लोअर वाले में क्या होती है हमारे पास, रेडियस एंड अल्ना, दीज. ओके. इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट इज द बोन्स आर कनेक्टेड टू द एल्बो. और ये जो बोन्स होती है हमारे पास ये किससे कनेक्ट होती है, हमारी एल्बो, जिसको हम कोहनी बोलते हैं. द लोअर आर्म हैज़ ऑल्सो हैज़ सेवरल स्मॉल बोन्स. अब जो लोअर आर्म होती है हमारे पास उसमें और भी स्मॉल बोन्स होती हैं विच फॉर्म द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स. यानी कि जो हमारे पास कलाई होती है, हथेली होती है, जो फिंगर्स होती हैं उनमें भी तो क्या होती है, बोन्स होती हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जो आर्म एंड लेग बोन्स को पार्टिसिपेशन किया हुआ है, तो हमने आर्म के बारे में डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे. ठीक है. तो ये इस तरीके से हमारे पास जो अपर लिम्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइडेशन होता है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीटिंग, अपर लिम्स. ओके. और अपर लिम्स को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स. आर्म्स को भी टू में डिवाइड किया हुआ है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म. अपर आर्म के अंदर जो लॉन्ग हमारे पास बोन होती होते हैं ह्यूमरस, और लोअर आर्म में कौन सी होती है, रेडियस एंड अल्ना. ओके. और जो लोअर आर्म होती है उसमें और भी बोन्स होती है हमारी, जो किस में बनाते हैं हमारे पास होती है, रिस्ट में, पाम और फिंगर्स में. ठीक है. नेक्स्ट अब जो मेन पॉइंट है इनका, द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द शोल्डर ब्लेड्स. जो आर्म्स होती हैं वो किससे कनेक्ट होती है हमारे पास, जो शोल्डर यानी कि जो हमारा जिसको हम बोलते हैं कंधा, एट द बैक एंड टू द कॉलर बोन्स इन द फ्रंट. ठीक है. जो शोल्डर ब्लेड यानी कि जो हमारे पास ये जो आर्म्स होती हैं वो बैक साइड जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम शोल्डर ब्लेड. ओके. और फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलर बोन. ओके. द शोल्डर ब्लेड्स एंड कॉलर बोन्स फॉर्म द शोल्डर ग्रेडल. द कॉलर बोन्स आर इन टर्न कनेक्टेड टू अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन. ओके. नेक्स्ट क्लियर. नेक्स्ट इज नाउ अपर लिम्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, लोअर लिम्स. ओके. लोअर लिम्स का ये स्ट्रक्चर है आपका, आप यहाँ से देखिए इसको, लोअर लिम्स को. दिस इज आवर बोन्स ऑफ द लेग. लोअर लिम्स को हम क्या बोलते हैं, अपर आर्म. अपर को हम किसी को बोलते थे, बोन्स ऑफ द आर्म एंड शोल्डर. और लोअर क्या बोलते हैं, बोन्स ऑफ द लेग. क्लियर. सो लेट्स वी स्टार्ट. द लोअर लिम्स और लेग्स हैव थ्री लॉन्ग बोन्स एंड सेवरल स्मॉल बोन्स. ओके. लोअर लिम्स मीन जिसको हम लेग्स बोलते हैं, इसमें भी थ्री लॉन्ग बोन्स होती हैं, और उसमें भी थ्री लॉन्ग बोन्स थी हमारे पास, इसमें भी थ्री होती है, और सेवरल स्मॉल बोन्स. द लॉन्गेस्ट बोन इज कॉल्ड द फीमर और थाई बोन. जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे पास वो क्या होती है, इसमें फीमर, जिसको हम थाई बोन भी बोलते हैं. ओके. एंड इट इज प्रेजेंट इन अपर लेग. ये किस में प्रेजेंट होती है, लेग के भी टू डिवाइडेशन कर देंगे आप यहाँ पे. ओके. अपर लेग एंड लोअर लेग. और जो आपके पास लॉन्गेस्ट बोन फीमर थाई बोन होती है, किस में प्रेजेंट होती है, आपकी अपर लेग में. क्लियर. एंड द फीमर फिट्स इनटू द हिप ग्राइडल. वो किस किस कहाँ होती है हमारे पास, हिप ग्राइडल में, एट द टॉप एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द लोअर लेग.
एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग एट द नी, जो घुटने से कनेक्ट होती है नीचे से। द लोअर लेग हैज़ टू लॉन्ग बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। अब जो लोअर लेग होती है उसमें भी टू लॉन्ग बोन होती है, टीबिया एंड फिबुला। ओके, टीबिया बियर्स द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी, जो पूरी होल बॉडी का जो वेट होता है हमारा वो किस पे होता है, टीबिया पे। ओके, देर आर सेवरल स्मॉल बोन्स इन द लोअर लेग, वो कौन कौन सी हमारे इधर देखिए, विच फॉर्म द एंकल्स एंड टॉयज, यानी कि जो हमारे पास पैर की जो उंगलियाँ होती हैं उसमें भी होते हैं, एंकल्स में भी कुछ स्मॉल बोन्स होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, जो बोन्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन हमारी बॉडी में होता है। क्लियर टू ऑल? नाउ स्टूडेंट्स, इन टूडेज़ टॉपिक, अब तक जितना भी हमने आज क्लास में स्टडी किया है उन पे बेस्ड कुछ वन मार्क्स क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, हाउ मेनी बोन्स डज ए ह्यूमन स्केल्टन हैव, मीन्स दैट ह्यूमन स्केल्टन में टोटल कितनी बोन्स होती है, 206। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीन्स हाउ मेनी बोन्स डज ए ह्यूमन स्केल्टन हैव, 206। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, फीमर, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थाई बोन, थाई में प्रेजेंट होती है, हमने स्टडी किया अभी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी वर्टिब्रल डज ए ह्यूमन बैकबोन हैव, मीन्स कितनी बोन्स होती हैं बैकबोन में, 33। ओके, एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द रिब केज, रिब केज में कितनी बोन्स होती हैं, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं हमारे पास, 206। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया आपका, इसका आंसर, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द रिब केज, रिब केज में कितने बैकबोन, पेयर ऑफ बोन्स होती है, अभी हमने स्टडी किया था ये भी, कितनी होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स, जिसमें से 10 किससे कनेक्ट होती है हमारे, ब्रेस्ट बोन से, और 2 किससे कनेक्ट होती है हमारे, स्पाइन से। क्लियर? नेक्स्ट इज, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन, 206। विच ऑफ आवर ऑर्गन इज प्रोटेक्ट बाय स्कल, मीन्स जो स्कल हमने कल स्टडी किया था वो किसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को। विच ऑफ आवर ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, अभी हमने स्टडी किया है फंक्शन ऑफ रिब केज, इट प्रोटेक्ट्स टू हार्ट्स एंड लंग्स। विच ऑफ द जार्स डज एनेबल अस टू टॉक एंड ईट, ये हमने कल की क्लास में स्टडी किया था कि कौन सा जा, हमारे पास टू टाइप के होते हैं, अपर जा एंड लोअर जा, और विच जा इज हेल्प अस टू टॉक एंड ईट, मीन्स बात करने में, बोलने में और खाने में, कौन सा, मीन्स हमने कहा था ना फूड को चबाने में कौन सा हेल्प करता है, लोअर जा। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज, विच ऑर्गन डज एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, मीन्स कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, आंसर इज टू बी आई, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कलेक्टिवली फॉर्म व्हाट, नर्वस सिस्टम। ओके, मीन्स नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ही इसके कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। क्लियर? आज का होमवर्क यही आपका, ये जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये आपको नोटबुक में भी राइट कर लेने हैं अच्छे से नोट्स बना के, और आपका होमवर्क यही है, इसको स्टडी करना है, मेन मेन पॉइंट नोट्स बना के क्वेश्चंस राइट करने हैं। कल की क्लास में हम आपको इसके बेस्ड पे जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवाएंगे। क्लियर? और जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के बेस्ड पे, वो भी आपको क्या करना है, ट्राई करना है, मीन्स आपके बुक में एक्सरसाइज है इनके बेस्ड पे उसको फिल करना है आपको, और फिर कल मैं उनके आंसर्स एक्सपीरियंस करूँगी, देन यू कैन चेक योर आंसर। क्लियर? ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।